आपकी आइडेंटिटी. As we said कि आपकी आइडेंटिटी is the only thing by which you live in this world. आज अगर आप सोचोगे कि पूरी कॉन्शियसनेस एक सागर है, तो आप उस सागर का ही एक रूप हो in the form of your identity. If the whole universe is a body, you are just a part of the body. So you are not different than the universe. You are just playing a different role because of your identity. आज वही पानी को अगर हम जग में रखते हैं तो पीने के काम आता है, उसको बाल्टी में रखते हैं तो कपड़े धोने के काम आता है, इंजन में डाल दें तो गाड़ी को कूल रखता है. पानी वही है, रोल अलग अलग. That is identity. That is the only meaning of identity. और उस आइडेंटिटी के अनुसार यू हैव टेकन ऑन अ फिजिकल बॉडी, यू हैव टेकन ऑन अ पर्टिकुलर लाइक एंड अ डिसलाइक, यू हैव टेकन ऑन अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज. आज अगर आपकी आइडेंटिटी एक सिंगर की है तो आपका फिजीक उसके जैसा होगा, आप उस टाइप की फैमिली में पैदा होंगे, आपको उस टाइप का रुझान होगा. यू विल बी आर्टिस्टिक इन एवरीथिंग. आज अगर आपकी आइडेंटिटी एक इंजीनियर है who has come to create something big in this world, you will be born in such a family, you will be exposed to technology, और आपको ये सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें ही आपको अट्रैक्ट करेंगी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड जो फोकल पॉइंट है, इट इज आइडेंटिटी. फोकल इज आइडेंटिटी. Once you have the focal as identity, बॉडी उसके अनुसार आती है, माइंड उसके अनुसार आता है, और टेस्ट, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एवरीथिंग उसके अनुसार ही आता है. यही चक्र है जो आपकी आइडेंटिटी होती है, और इसी चक्र के द्वारा यू अट्रैक्ट परफेक्ट यूनियन इन लाइफ. आज आपकी जिंदगी में जो भी आ रहा है, he is coming because of your Swadhisthana Chakra. Because this is, everybody associates as per identity. जैसे अगर आप एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल हो, एनिमल किंगडम में शेर शेर के साथ रहता है, गाय गाय के साथ रहती है, चूहा चूहे के साथ रहता है. आपने कभी चूहा और गाय की दोस्ती देखी है? कभी आपने घोड़ा और बकरी की दोस्ती देखी है? तो सिमिलर एनिमल्स ओनली कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो अंडरस्टैंड दैट टुडे, आज अगर आपको आइडेंटिटी ही नहीं पता है, सोचो आप एक ऐसा एनिमल हो जिसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, अब वो किससे दोस्ती करेगा? शेर के पास जाएगा, शेर उसको खा देगा, चूहा के पास जाएगा, चूहा उससे डर के भाग जाएगा. So he is surprised why people are not accepting me, why people are behaving like this to me, why people are rejecting me. क्योंकि naturally अगर चूहा जाएगा बकरी के पास, he will feel rejected. वो शेर के पास जाएगा तो डरेगा. जब तक वो realize नहीं करेगा who I am, he will not go to the right place and he will not mix with the right people. That is identity. आज आपको लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू मेक गुड रिलेशनशिप्स, आई एम नॉट मीटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ. द प्रॉब्लम इज नॉट द पीपल, प्रॉब्लम इज यू डोंट नो हु यू आर. जब आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, हाउ कैन यू मेक रिलेशनशिप्स? ऑल द टाइम यू आर चेंजिंग योर सेल्फ एज पर पीपल. अगर आपकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, यू फॉरगेट हु यू आर और यू डोंट रियलाइज हु यू आर. So what happens? You try to take on the identity which you feel people will like. You will try to behave as per people. You will try to make them happy so that they are happy with you. आज अगर आप constantly बदल रहे हो, you don't know मैं क्या चाहता हूँ जीवन में. आज जब ये चक्र खुलता है, तभी you realize your life purpose. Because your identity is nothing but your life purpose. आज अगर आप कंफ्यूज हो, मैं ये करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, क्योंकि एक्चुअली यू डोंट नो हु यू आर. सो डू वी रियलाइज दैट दिस चक्र इज सो पावरफुल, सो स्ट्रॉन्ग. इस चक्र के द्वारा ही यू कैन अट्रैक्ट द राइट जॉब, द राइट करियर, द राइट पीपल इन योर लाइफ, द राइट काइंड ऑफ कस्टमर्स. आज टुडे इवन इफ यू आर अ पेंटर, बट टुडे यू डोंट नो योरसेल्फ, यू डोंट रेस्पेक्ट योरसेल्फ, आपको अपनी पूरी पहचान नहीं है, आप वो पेंटिंग को सस्ता बेचोगे. But if you know your identity, you will attract customers who will pay a high price for your product. How they demand so much of money? जबकि ऐसा नहीं है कि उसकी एक्टिंग बहुत सुपीरियर है. Yes or no? उनके जैसे बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं. How come it is only few singers, few actors, few painters? They reach the peak because they know their identity, they respect their identity. उनका पूरा पोटेंशियल खुल चुका है. दैट इज वाई दे आर डिमांडिंग दैट काइंड ऑफ वैल्यू. सो यू कैन से दैट योर आइडेंटिटी गिव्स यू वैल्यू इन दिस